गाइज वेलकम बैक टू मिशिका फैमिली चैनल एंड आई एम मेघा मिशिका की मम्मी। तो गाइज आज मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ एंड आप देख सकते हैं मैं भी भूत बन के बैठी हुई हूँ जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही है और पूरे दिन से लाइट ही नहीं है। मैंने सोचा था कि लाइट आ जाएगी तो मैं वीडियो बना लूँगी या ब्लॉग बना लूँगी या आपको अपडेट दे दूँगी कि किस वजह से ब्लॉग नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, लाइट आई नहीं और अब मतलब शाम हो चुकी है। तो मैंने सोचा चलो गेट खोल के ही छोटा सा आपको अपडेट दे देती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो जो आप लोग इतने दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो है कि आपने बोला था कि आपके हस्बैंड ने कैसे रिएक्ट किया था जब आप मेकअप करा के आए थे। तो जो मैं वियर्ड मेकअप मतलब वॉश्ड मेकअप करवा के आई थी उस दिन, तो जब मिशिका डर गई, मैंने इनको बोला कि मिशिका डर गई थी मेरा मेकअप देख के, तो कहते हैं लग रही होगी भूत इसलिए डर गई थी एंड ठीक नहीं जगह है मुझे, मेरा दिमाग ख़राब कर देती अपना मेकअप करा के फालतू के पैसे बर्बाद करके आ गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने ठीक नहीं जगह। एंड सेकंड जो उनका जो अच्छा मेकअप हुआ था जिस दिन मेरा, उस दिन लकीली वो घर पे थे एंड उन्होंने मेरा मेकअप देखा और जो उनका फर्स्ट इम्प्रेशन था वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग वो देख लीजिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके तो गाइज़ मैं मेकअप करा के घर आ गई हूँ। ये वाला वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा क्योंकि जस्ट 11 बज रहे हैं रात के एंड 11 बजे मेरा ये वीडियो पब्लिश हुआ। जैसे ही मैं आई मैंने मेकअप भी रिमूव नहीं किया क्योंकि ऐसा कोई मेकअप था भी नहीं कि मुझे टेंशन होता कि ये मुझे रिएक्शन करेगा, तो मैंने रखा रहने दिया। इनफैक्ट मैं कूलर भी ऑन नहीं की हूँ कि ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि ये मेकअप कितना अच्छा चला, लॉन्ग लास्टिंग रहा। एंड आप लोगों को हमेशा पूछते हो आप लोग के जीजू का रिएक्शन बताना, तो पिछले वीडियो में तो जब मैं आई तब वो सो रहे थे, लेकिन इस वीडियो में आपको ज़रूर उनका रिएक्शन बताऊँगी। एंड मुझे पर्सनली ये मेकअप लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है एकदम। मतलब होता ना कि आई मेकअप से ही अगर आई मेकअप ना हो तो आपको ना एकदम नेचुरल लुक लगेगा, ऐसा नहीं ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, ओवर नहीं लग रहा है। एंड ये इसकी क्योंकि साथ मैं वहाँ से 8 बजे फ्री हुई हूँ, आते आते मुझे 8:30-9 हो गए थे एंड फिर उसके बाद मैंने एडिटिंग की। एडिटिंग में इट मीन्स कि 40 मिनट की वीडियो को मैंने 13 मिनट में किया, तो पता है कितनी तेज़ एडिटिंग मतलब कितनी ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ी। उसके बाद मुझे अभी मैंने वीडियो पब्लिश किया एंड इस टाइम सब लोग नेट चलाते हैं इसलिए नेट बड़ा स्लो चल रहा था एंड फाइनली वीडियो चला गया, ये बेस्ट पार्ट रहा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ बाबू का रिएक्शन कैसा था मेरा ये मेकअप लुक देखने के बाद। ओके तो कैसा लगा बाबू हमारा मेकअप आपको? बहुत प्यारा लगा मेकअप, सीरियसली में बहुत अच्छा लगा मेकअप। अच्छा लगा आपको? हाँ, एक नंबर। एंड कल का, परसों का? कल तो हम थे नहीं, सो रहे थे ये। एंड हाँ। मिशिका डर गई, जब मैंने इनको बताया कि मिशिका डर गई तो बोलते जब मिशिका डर गई तो मैं तो वो हर रूप में देख ली है और जब वो डर गई तो मैं तो और पहले डर जाता है। बहुत आज का बहुत अच्छा लग रहा है ना, एकदम नेचुरल। बाबू बोल रहे हैं ना एकदम ज्यादा, मतलब शो ऑफ भी नहीं है और सिंपल सोबर अच्छा लग रहा है और चेहरा भी। एक्चुअली में क्या है, मैंने आज तक कभी पार्लर में रेडी नहीं हुई हूँ, है ना बाबू, शादी में भी नहीं हुई हूँ, तो उसके तो मैं अपने हाथ से मेकअप करती हूँ, तो मुझसे उतना परफेक्ट नहीं बनता है जितना अब मेकअप आर्टिस्ट एंड या ब्रश का। जो लोग छतरपुर के हैं वो ट्राई करके जरूर देखना एक बार। हाँ, क्योंकि इनके यहाँ पे जाके आप लोग जरूर ट्राई करना, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आपको उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनका ईमेल, उनका इंस्टाग्राम सब आपको मिल जाएगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब इतना मतलब अच्छा। जब मैं घर से निकली थी तो मैं वॉश्ड मेकअप के लिए निकली थी, लेकिन मैंने कहा कि वॉश्ड हो गया, बेस्ट करना है, लेकिन अब घर से निकली हूँ तो बेस्ट कैसे, इतने जल्दी कहाँ से ढूंढूं बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। तो मैंने किया गूगल एंड गूगल पे सबसे फर्स्ट पे उनका ही नंबर था एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया एंड उनसे बात हुई, उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाइए। एंड मैंने उनको बताया नहीं कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालना है, लेकिन जब मुझे लगा कि ये मेकअप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैंने कहा ये दिखाना चाहिए लोगों को, अच्छी चीज़ पहुँचना चाहिए। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर छतरपुर के हैं एंड सबको ये पहुँचा होगा, सबको अच्छा लगा होगा एंड ज़रूर ट्राई करना। बहुत सारे पार्लर हैं छतरपुर में मुझे पता है, लेकिन ये मुझे बेस्ट लगा तो ज़रूर ट्राई करना। एंड मैं उनको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, बट जो आप अगर फुल पैसा वसूल मेकअप है इसलिए बोल रही हूँ बार बार, ठीक है। नहीं, पैसे से भी अच्छा मतलब ये है आपको सेटिस्फाई हो जाए ना कस्टमर। हाँ, तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। बाकी आपको अच्छा लगा। 11:30 बज रहे हैं, मतलब 11:30 हो रहा है टाइम एंड अभी तक मेकअप बिल्कुल वैसे का वैसा है। एंड हमारे यहाँ का ये लाइट बड़ा चीप है इसलिए मेरा मेकअप एकदम आपको एकदम वाइट वाइट लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको दिखाया मैंने वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट करके दिखाओ ना, आग बंद देखो ना, प्यारा लग रहा है। तो मुझे ये परफेक्ट लगा एंड अब हम लोगों को खाना है खाना, क्योंकि 11:30 हो गए हैं एंड अब ये बाबू खाना लेना फिर
खाना पहले नहीं खाऊंगी, पहले मेकअप रिमूव करूंगी एंड खाना खाऊंगी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मेकअप रिमूव आप कैसे करते हो, कभी कभी मेकअप रिमूवर से कर लेते हैं या फिर कुछ नहीं होता है तो कोकोनट ऑयल बेस्ट है। कोकोनट प्रेस्ड ऑयल आता है ना जो, वो वाले ऑयल से मैं रिमूव करती हूँ मेरा मेकअप एंड उसके बाद फेस वॉश करती हूँ। लेकिन मेकअप रिमूव करना मस्ट है, मतलब आपको करना ही चाहिए एंड उसको आपको पहले अच्छे से रिमूव करना चाहिए फिर आपको फेस वॉश करना चाहिए। क्योंकि अभी आपको पता है कि मेरे फेस पे 3 लेयर लगी हुई हैं, पहले कंसीलर फाउंडेशन मतलब पूरा वेस बना था एंड जब तीसरी बार एयर ब्रश का मेकअप हुआ था तब भी उसमें फाउंडेशन डाला जाता है तो वो भी, तो मतलब बहुत तेज तरीके से अंदर तक एक होता है ना मेकअप वो हुआ है। एंड चलिए मिलते को सिर्फ एक चीज़ वो बताती हूँ, वो क्या, वो मैंने मेरा भूत वाला लुक नहीं बताया, वो शायद मैं अगर बाबू जाग भी रहते तो ना दिखाती क्योंकि मैं उसमें बहुत बेकार लग रही थी और आज के लुक में मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ तब से उनके सामने बैठी हुई हूँ। तो चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में, तब तक बाय बाय, लव यू ऑल। तो गाइज ये चल रही थी यहाँ पे मिशिका की मस्ती और आप लोगों को पता है वो खुद को मिरर में देख रही थी एंड मेरी हेयर स्टाइल बन रही थी इस टाइम पे, तो मेरी हेयर स्टाइल भी देख रही थी एंड उसने खूब इंजॉय किया खुद को मिरर में देख देख के। तो ये मैंने कहा छोटा सा एक क्लिप है ये इसमें ऐड कर देती हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइज हम लोग ने फिर खाना नहीं घर पे बनाया क्योंकि इतना लेट हो गए थे और मैं एंड बाबू और मेरी ये मकान मालिक की बहू एंड उनके बेटे हैं और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे डिनर करने के लिए और ये रोमांटिक डिनर हो गया आज का, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया एंड मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी क्लिप ज़रूर दिखानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लाइक हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था तो बाबू बोल रहे थे कि खुद को थोड़ा सा खाते हुए तो दिखा दो एंड मिशिका आप देख रहे हो कैसे खा रही है, वो कुछ खाती नहीं है बस यही प्रॉब्लम है, अगर ढंग से खाना खाए तो जल्दी से मोटी मोटी हो जाए लेकिन वो मेरे जैसी है एंड बाबू जैसी है वो मोटी नहीं होती, हम लोग भी मोटे नहीं हैं कोई बहुत ज़्यादा। लेकिन अच्छे से इंजॉय किया, जब हम दोनों जाते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता है लेकिन होता है ना कि जब आप लोग 3-4 जन के साथ जाओ तो आपको एक अलग ही इंजॉयमेंट फील होता है, तो मैंने वही किया एंड उसके बाद हम लोग सीधे वहाँ से निकल आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ, वो यहाँ की फिश, मतलब ये जो रेस्टोरेंट था ये था तो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी फिश थी कि मैंने कहा ये तो आप लोगों को दिखानी चाहिए एंड मैंने, ऐसा नहीं है मैंने बड़ी बड़ी फिश नहीं देखी, वो बाली वाली पहनी थी तो मैंने कहा दिखाना चाहिए। एंड मिशिका को देख रहे हो आप लोग, मतलब ये खाना खाती है लेकिन ये होटल का खाना कभी नहीं खाती है, तो इसके लिए मैंने घर पे खाना मतलब दाल चावल बना लिए थे तो वही दाल चावल खाती है वो, क्योंकि तो वो दाल चावल खाएगी एंड इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने मेकअप रिमूव किया और मेकअप रिमूव करके सीधे मैं लाइक वही ड्रेस पहन के मैं निकल आई थी वहाँ से, वही ड्रेस मतलब जो मैंने वो उस मेकअप में पहनी थी ना, ये वो वाली ड्रेस है। और फिर अब मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। खाना हम लोगों ने क्या क्या मंगाया वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं, तो कुछ भी नहीं है, ये रोटियां हैं और लाइक पनीर की सब्ज़ी थी एंड एक कढ़ाई पनीर थी, एक मटर पनीर थी, सैलेड था और ये बाबू और मिशिका। हेलो मीचू, अच्छा खाना खाना बोल रही थी आप लोग, हेलो हेलो बोलो एंड ये प्रिया भाभी दोनों जन, तो यही हम लोगों ने खाना मंगाया था सिंपल सा। एक्चुअली मैं था क्या कि इतना लेट हो गए थे कि और कुछ मिल ही नहीं रहा था तो मैंने कहा चलो जो भी है अच्छा है उतना ही खा लेते हैं, हम फिश पॉट देख रहे हैं। तो गाइज आप लोग देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी फिश है एंड ये वाली जो फिश है ये 2-3 थी लेकिन कुछ छुपी हुई थी एंड कुछ दिख रही थी। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग लाइक नाक में बाली पहनी हुई थी जो कि मैंने जहाँ तक मैंने सुना है कि जूम में वो नहीं दिख रही थी, पता नहीं क्यों मैंने कहाँ सुना है कि जहाँ पे नाक में बाली पहनते हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी मतलब 2 फिश थी एंड ये ऐसे बच्चे खेल रहे थे तो उनको प्रॉपर देख रही थी एंड मिशिका भी बार बार उनको देख रही थी एंड खूब इंजॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो ये व्यू भी आप लोगों को दिखा देती हूँ और मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कब जाएगा लेकिन जाएगा ये फैक्ट है, इसीलिए मैंने इसमें दिखाया है आप लोगों को। तो गाइज़ आप लोगों ने देख लिया कि बाबू का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था एंड हम लोग गए थे उसी दिन जैसा कि मैंने बोला था कि हम इतना लेट हो गए थे, आप लोगों को पता उस दिन मेरा जो वीडियो था वो 11 बजे आया था तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। फिर हम लोग मैं बाबू एंड मेरे जो मकान मालिक हैं उनकी
उनकी बहू एंड उनके हस्बैंड हम लोग गए थे डिनर डेट पे, और वो रोमांटिक, पूरी रोमांटिक डिनर डेट हो गई थी उस दिन की, क्योंकि बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने बहुत ज़्यादा। एंड मुझे लास्ट में लगा कि मुझे एक छोटा सा क्लिप ले लेना चाहिए, तो क्योंकि मैं ब्लॉग में ऐड कर दूँगी, लेकिन थैंक गॉड मैंने ले लिया। आज मैं ब्लॉग नहीं कर पाई, तो एटलीस्ट आप लोगों ने वो भी देख लिया। एंड अपने फिश देखी, कितनी बड़ी बड़ी फिश थी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी बड़ी फिश। एंड वो ना बाली वाली कुछ पहनी थी, मैं जूम करके नहीं दिखा पाई थी, तो बहुत बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, तो आपने वो भी देखा। एंड आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि मेरी आंटी आ गई हैं। तब तक लिए बाय बाय, लव यू ऑल। मिशी कम हियर एक बार, लव यू ऑल, लव यू, बाय बाय। अरे यार लाइट नहीं है, लाइट का बड़ा प्रॉब्लम। बाय बाय बाय।